साइड में आप लोग देखोगे तो इधर मछली पालन होता है, और यहाँ ये एक कैफे बना हुआ है। तो ये है पानी के बीच में तैरता हुआ कैंटीन। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं आया हूँ केनापारा। केनापारा इस्रामपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पानी के ऊपर तैरता कैफे है। तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का कैफे। यहाँ पे लगा है आई लव सूरजपुर का एक बोर्ड, और इधर किड्स मेनिया भी है, बच्चों लोग के लिए झूला उला होगा। तो यहाँ पे एक ये गेट लगा हुआ है, बना हुआ है किड्स मेनिया करके, इसके अंदर बच्चों लोग के लिए झूलने के लिए झूला वगैरह है छोटा छोटा, और बैठने के लिए बना हुआ है। और इस साइड में ये एक नदी है। अभी हम लोग हैं केनापारा में, और इस साइड में आप लोग देखोगे तो इधर मछली पालन होता है, और यहाँ ये एक कैफे बना हुआ है जो पानी के बीचों बीच तैरता हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ये बोटिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ एक जन का 50 रुपये टिकट लगता है। यहाँ से आपको थोड़ी दूर तक घुमाते हैं, उसके बाद कैफ़े तक लेके जाते हैं। अगर आपको कैफ़े में खाना पीना है, रुकना है, तो आप वहाँ रुक सकते हैं, और वहाँ से फिर लेके भी आते हैं। तो 50 रुपये में आप लोग घूम सकते हो। और उसके अलावा कुछ ऐसा ऐसा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे दोस्त लोग अभी टिकट लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोट में। पानी के बीच में तैरता हुआ कैंटीन, और अभी हम लोग यहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैंटीन में, तो चलो यहाँ बैठते हैं और खाते हैं कुछ। ये कुछ ऐसा कैंटीन बना हुआ है, दिखाता हूँ इसको आसपास से आपको। इधर बैठ के खाने के लिए रूम बना हुआ है, और इसके पीछे ये शायद इसमें मछली रहता है। हम लोग आ गए हैं नीचे, अब यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा था, तो अब चलो चलते हैं और मिलते हैं सीधा आप लोगों से मोटर। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं केनापारा से वापस घर की तरफ। आज का हम लोग का संडे राइड इतना ही है, बस अब घर जाएंगे यहाँ से। और धूप भी ज़्यादा तेज हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।